हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीज आर्ट क्लासेस पर। ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का क्लास है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्लास को। फर्स्ट वर्ड है राइवेलरी। ओके, फर्स्ट वर्ड है राइवेलरी। ये जो है नाउन की तरह यूज होता है, ठीक है। इसका मीनिंग है कंपटीशन बिटवीन पीपल ग्रुप्स ईटीसी, मतलब लोगों के बीच और बहुत सारे लोगों के ग्रुप्स के बीच में जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन होना, उसी को राइवलरी कहते हैं। ओके, इसका हिंदी मीनिंग हो गया प्रतिद्वंदित, ठीक है, प्रतिद्वंद्वित, प्रतिस्पर्धा। ओके, यानी व्यक्तियों, समूह, समूहों आदि के बीच में, उसे ही राइवलरी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेस ऑफ। ओके, नेक्स्ट वर्ड है फेस ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू मीट एन अपोजिंग पर्सन, ग्रुप और स्पोर्ट्स टीम टू आर्गू और कम्पीट। यानी कि टू मीट एन अपोजिंग पर्सन, मतलब कि अपोजिंग पर्सन या फिर अपोजिंग ग्रुप से जो है मीट करना, मिलना, उसे ही फेस ऑफ कहते हैं। ओके, और फेस ऑफ जो है एक फ्रेजल वर्ब है। इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा बहस करने या प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी विरोधी व्यक्ति, समूह या खेल टीम से मिलना। मतलब कि बहस करने या प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी विरोधी व्यक्ति, समूह या खेल टीम से मिलना, उसे ही फेस ऑफ कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स सिल्वर वेयर। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स सिल्वर वेयर। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है ऑब्जेक्ट्स स्पेशली नाइफ्स, फॉर्क्स, स्पून ईटीसी मेड ऑफ सिल्वर, ठीक है। सिल्वर वेयर का मतलब हो गया कि वो ऑब्जेक्ट जो बेसिकली सिल्वर से बना हो, उसे ही सिल्वर वेयर कहते हैं। जैसे कि चाकू हो गया, फॉक्स हो गया, स्पून यानी कि चम्मच हो गया, ईटीसी। हिंदी में देख लीजिए, वस्तुएं विशेषकर चाकू, कांटे वाले चम्मच या फिर चम्मच आदि जो चांदी से बनी होती है, उसे ही सिल्वर वेयर कहते हैं। मतलब कि जो वस्तुएं चांदी से बनी होती है, उसे ही सिल्वर वेयर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लिंगर। ये वर्ब के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है टू स्टे समवेयर और डू समथिंग फॉर लॉन्गर देन यूजुअल। मतलब कि टू स्टे समवेयर, मतलब कि कहीं पे जो है ठहरना, कहीं पे रुकना, उसे ही बोलते हैं लिंगर। या फिर डू समथिंग फॉर लॉन्गर देन यूजुअल, मतलब समानता किसी चीज में जो है ज्यादा समय लगाना, ठीक है, उसे ही लिंगर कहते हैं। हिंदी में देख लीजिए, किसी जगह देर तक रुके रहना, यह कोई काम देर तक करते रहना। किसी जगह देर तक रुके रहना, यह कोई काम देर तक करते रहना, उसे ही लिंगर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड रेड टैप। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड रेड टैप। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है ऑफिशियल रूल्स एंड प्रोसेसेस दैट सीम अननेसेसरी एंड डिले रिजल्ट। यानी कि आधिकारिक नियम और प्रक्रियाएं जो अनावश्यक लगती हैं और परिणामों में देर करती हैं। आधिकारिक नियम और प्रक्रियाएं जो अनावश्यक लगती हैं और परिणामों में देरी करती हैं, उसे ही रेड टैप कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आउटस्कर्ट्स। ये नाउन के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द पार्ट ऑफ ए टाउन और सिटी दैट आर फर्देस्ट फ्रॉम द सेंटर। यानी नगर या बस्ती का बाहरी भाग, ठीक है, नगर या बस्ती के केंद्र से सर्वाधिक दूर का हिस्सा, सीमांत या फिर बाह्यांचल, उसे ही आउटस्कर्ट्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है एब्रेसिव। ये जो है एडजेक्टिव के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है रफ एंड लाइकली टू स्क्रैच। इसका मीनिंग है रफ एंड लाइकली टू स्क्रैच, मतलब कोई चीज जो है रफ हो या फिर लाइकली टू स्क्रैच हो, उसे ही एब्रेसिव कहते हैं। हिंदी मीनिंग हो जाएगा खुरदरा और खरोंचदार या फिर अपघर्षी, उसे ही एब्रेसिव कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्किरमिश। ये नाउन के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है शॉर्ट फाइट बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल, मतलब कि लोगों के बीच झड़प, उसे ही स्किरमिश कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्रूबिंग। ये नाउन के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है ए बीटिंग और सीरियस डिफेट स्पेशली इन ए स्पोर्ट्स कंपटीशन, मतलब एक पिटाई या गंभीर हार, विशेष रूप से एक खेल प्रतियोगिता में, उसे ही ड्रूबिंग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन टेंडम। ये नाउन के तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है एट द सेम टाइम, मतलब कि एक ही समय पर।
ओके, इन टैंडम का मीनिंग होगा एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय पर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब है। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रेगुलर वीडियो की अपडेट मिलती रहेंगी, और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं कल के क्लास में।